सियावर राम चंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं आप सभी के डिमांड पर में सिंह राशि फल अप्रैल 2023, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा, किस मामले में खराब रहेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे कमाल की बात इसमें क्या है, आप देखो कि आपके इस महीने में कौन से ग्रह आपके कुंडली के गोचर कुंडली के किस भाव में बैठे हुए हैं, वो सब आपके सामने में दिखाई दे रहा है, वो सब आपके सामने में प्रत्यक्ष रूप से है। अभी तक आपने ऐसी राशिफल कभी नहीं देखी होगी। देवी और सज्जनों, आपने जब भी देखा होगा तो देखा होगा कि मासिक राशिफल एक दो ग्रहों को लेकर के हमने भी बताया है और बाकी के ज्योतिष तो बताते ही हैं, लेकिन आज पहली बार सिंह राशि वालों के लिए 2023 अप्रैल का राशिफल 8 ग्रहों के साथ उसका फलादेश बताने जा रहा हूं। कौन सा ग्रह अपने लिए इसमें मित्र है, यानी कि कौन सा ग्रह हमारे फेवर में है जो बढ़िया रिजल्ट देगा, कौन सा ग्रह हमारे विपरीत में है जो खराब रिजल्ट देगा, कौन सा ग्रह हमारा दोस्त है और कौन सा दुश्मन है उसको भी समझेंगे। जो दुश्मन है उसको किस बुद्धि से, किस उपाय के तहत अपने कंट्रोल में ला सकते हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, और जो दोस्त है उससे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना ही है। लेकिन उससे पहले, हम सब सनातन धर्मी हैं और मैं सनातन धर्म का हूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे विभिन्न धर्म पंथ के होंगे, लेकिन आप सब मेरे साथ जयकारा लगाएं, क्योंकि ये किसी एक धर्म की बात नहीं, मैं जो अभी जयकारा लगाने जा रहा हूं वो सभी सर्वधर्म धर्म संप्रदाय की बात है। आइए जयकारा शुरू करें। बोलिए, आप सबको बोलना है जय जय बस, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में हम सब चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तो भ्यंग। देवी और सज्जनों, चर्चा हम लोग सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के अष्टम भाव में 14 अप्रैल तक रहेंगे और 14 अप्रैल के बाद आपके कुंडली के नवम भाव में उच्च के होकर के चले जाएंगे। ये एक गोचर फल है, ये एक सामान्य फलादेश है। इसमें जो फल बताया जा रहा है, अगर वो आप पर में लागू नहीं हो पा रहा है, अगर आपके ऊपर में इस प्रकार का फल नहीं असर कर रहा है, तो आपके जन्म कुंडली में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। आप अपनी जन्म कुंडली की नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर में जरूर जांच करवाएं, फिर आपको 100% सटीक जानकारी जो है सो मिलेगी। देवी और सज्जनों, सूर्य का कुंडली के अष्टम भाव में बैठना ये दर्शाता है कि 14 अप्रैल तक सिंह राशि वाले जातकों को अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। जो जो गलत कार्य आपने पिछले कुछ समय में किए हैं, पहले आपने जो जो किए हैं उसमें से बहुत सारे गलत कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ सकता है 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल
महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में सूर्य के अष्टम भाव में बैठने के कारण जो आपके दुश्मन हैं, जो आपका शत्रु है, वो भी आपसे बार बार झगड़ा करने का प्रयास कर सकता है, वो भी आपके साथ बिना मतलब के आप उसको अवसर नहीं दोगे, फिर भी वो अवसर खोज खोज करके आपके साथ टकराने का प्रयास करेगा। वो प्रयास करेगा कि किसी न किसी कारणवश आपके साथ जो है लड़ाई झगड़ा झंझट की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य का बैठना ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में भी कुछ पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है 14 अप्रैल तक। हेल्थ वाइज भी कुछ इशू, शारीरिक तौर पर में भी कुछ कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति को जो सिंह राशि का है और उसको बवासीर की समस्या है, अपच की समस्या बार बार जिसके सामने में आती है, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, वो लोग इस समय में ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि सूर्य 14 अप्रैल तक उन्हीं पर ज़्यादा अटैक करेगा, उन्हीं को ज़्यादा परेशान करने का प्रयास करेगा। इस समय में ऐसे हर एक काम करने से बचें जहां पर में ये आपको लग रहा है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है, जहां पर आपको जुर्माना हो सकता है, जहां पर में केस मुकदमा का योग बन सकता है और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। देवी और सज्जनों, तो इन सभी कार्यों से दूर रहेंगे, इन सभी चीज़ों से अवश्य दूर रहें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। महर्षि का कहना है कि आपके स्त्री को इस समय में कष्ट की संभावना है, आपके जीवन साथी को इस समय में कष्ट की संभावना भी कुछ दिखाई दे रही है, उनको भी कुछ हेल्थ वाइज इशू, तबीयत का खराब होना, शारीरिक कष्ट महसूस हो सकता है। देवी और सज्जनों, इस समय में सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का 14 अप्रैल तक अष्टम भाव में बैठना शारीरिक तौर पर में कष्ट की संभावना दर्शा रहा है और ये भी कह रहा है कि खर्चा अधिक होगा, खर्च इस समय में अधिक होगा, आपको व्यय जो है इस समय में आपको अधिक से अधिक होने का प्रयास करवाएगा सूर्यदेव। कभी कभी हो सकता है चौदह अप्रैल तक सूर्य के अष्टम भाव में बैठने के कारण ऐसा संभव है कि आपको बीच बीच में फीवर की समस्या सामने आ सकती है, रक्तचाप यानी कि बीपी की समस्या भी आपको कुछ परेशान कर सकती है। अपमानित होने वाले जगहों पर जाने से बचें, ऐसे जगहों पर ना जाएं जहां पर में ये डर है, शंका है कि अपमान हो सकता है, जहां पर ये डर है, शंका है कि आपको अपमानित किया जा सकता है, तो उस जगहों से सावधान। देवी और सज्जनों, 14 अप्रैल के बाद यही देवगुरु बृहस्पति जो है सो आपके कुंडली के नवम भाव में उच्च के हो जाएंगे और जब ये उच्च के हो जाएंगे तो आपको यही देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 14 अप्रैल के बाद अनुभव करोगे खुद ही कि सूर्यदेव आपको भाग्य का साथ दिलवा रहे हैं, भाग्य भरोसे आपका ज़्यादातर काम अपने आप होता चला जा रहा है। आप अनुभव करेंगे कि ये नवम भाव धर्म का तीर्थयात्रा का होता है तो आप ये देखेंगे कि आपके द्वारा धर्म का भी कुछ कार्य हो रहा है और तीर्थयात्रा भी करने का आप भरपूर प्रयास कर रहे हैं। देवी और सज्जनों,
आपको यश में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद आपके यश के बारे में, आपके बारे में, आपके प्रताप के बारे में, आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म के बारे में इस समय समाज में चर्चा होगी और लोग आपसे प्रभावित भी रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के नवम भाव में बैठने के कारण आपको ससुराल से भी कुछ लाभ मिल सकता है। अगर आपके पास में साला अथवा साली है तो वहाँ से भी कुछ लाभ के विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपके लिए कुंडली के नवम भाव में बैठना संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी दिलवाने का सूर्यदेव हर संभव प्रयास करेंगे आपके लिए। देवी और सज्जनों, आपके पास में जो शिक्षा है उसका भी सही इस्तेमाल करके आप उचित लाभ लें, ऐसा सूर्य का प्रयास रहेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से छोटे भाई बहन का भाव ये तीसरा होता है, तो छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलने की खूब संभावनाएं बनेंगी। तीसरे भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपके स्वयं के पराक्रम में भी खूब वृद्धि होगी, धैर्य आपका खूब मजबूत होगा। माता की अगर मृत्यु भी होने वाली होगी तो भी ये सूर्यदेव उसको टालने का प्रयास करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा प्रबल योग नहीं हुआ तो। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण और तीसरे भाव पर दृष्टि के कारण आपके गुप्त शत्रु का नाश होगा। अगर आपको गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। सूर्य का रिजल्ट 14 अप्रैल के बाद हर मामले में बहुत बढ़िया है। 14 अप्रैल से पहले सूर्य का रिजल्ट हर मामले में निगेटिव है, तो संभव हो तो 14 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अथवा जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से सूर्य के मंत्र का जाप शुरू कर दो। ओम घिरणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप शुरू कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 अप्रैल तक आपको जाप करना है, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और सूर्य के द्वारा जो निगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं उसमें भी राहत मिलेगी। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल का कुंडली के एकादश भाव में होना ये बड़ा ही सुखद है, बहुत ही ये अच्छा बढ़िया परिणाम है। आप देखो कि एकादश भाव में मंगल के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में सिंह राशि वाले जातक को मंगल देवता जय देंगे, विजय देंगे। इस समय में जिस पर में भी चाहें आप विजय हासिल कर सकते हैं। इस समय में आपके सामने में ज़्यादातर लोग टिक नहीं पाएंगे और टिकेंगे तो वही लोग टिकेंगे जिनकी कुंडली आपसे ज़्यादा शक्तिशाली होगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में, कुंडली के एकादश भाव में मंगल के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि इस समय में आरोग्य और धन धान्य संपत्ति के प्राप्ति का भी विशेष योग आपके लिए बन रहा है। इस समय में शरीर भी स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे पूरे महीना में मंगल देवता अपने तरफ से, और उनका ये भी प्रयास रहेगा कि आपको धन धान्य संपत्ति की कहीं से कोई समस्या ना हो। महर्षि का कहना है कि इस समय में आय में आशातीत वृद्धि होती चली जाएगी। अप्रैल के महीने में मंगल के कारण अनुभव करोगे कि आमदनी अपने आप, आज 2 रुपये थी तो कल 3 रुपये, परसों 4 रुपये, चारिम दिन आज से चौथे दिन 4.5, पाँचवें दिन 5 रुपये, यानी कि आशातीत, जैसी आशा थी, जैसा मन था, आपके बिजनेस में जैसी बढ़ोतरी की संभावना आपको दिख रही थी, आपका जैसा मन था कि इस प्रकार से हो सकता है तो उस प्रकार से फलित होगा इस समय में। उस समय में आपको फल जो है सो मंगल देवता देने का प्रयास अवश्य करेंगे। देवी और सज्जनों,
महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में जो लोग जमीन से संबंधित कारोबार करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और सिंह राशि के व्यक्ति हैं, तो उनको विशेष लाभ का योग है, उनको ज़्यादा फायदा होगा इस समय में। आपके लिए बता दूं कि जो लोग मकान के किराए से संबंधित कारोबार करते हैं, जिनका काम है मकान का किराया लगाना, उनके लिए बता दूं कि मकान के किराए में भी इस महीने में कुछ वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, उस तरफ से भी कुछ विशेष लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो आपके भाई बंधुओं के साथ भी संबंध और मधुर होगा। संबंध के मधुरता में और वृद्धि होने के योग बन रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं जिनको आप अपने भाई की तरह प्यार कर सकते हो। इस समय में आपको उनसे भी लाभ मिलता रहेगा, कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है, हर मामले में मंगल के लिए, और मंगल का एकादश भाव में बैठना आपके लिए मंगल ही मंगल है। सिंह राशि वाले हर मामले में बढ़िया है आपके लिए। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध कुंडली के नवम भाव में पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे, कुंडली के नौवें भाव में। और नवम भाव में देवी और सज्जनों, बुध का बैठना गोचर में अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पर मैं इसका बैठना कुछ आपको परेशान कर सकता है, उसके लिए उपाय भी बताऊंगा, प्रयास करेंगे कि उपाय पर ध्यान दें। अगर फिर भी मैं कह दूं कि अगर मैं जो फलादेश बता रहा हूँ आपके ऊपर में लागू नहीं हो रहा है, तो आपके जन्म कुंडली में कुछ ना कुछ अवश्य गड़बड़ी है, हस्तरेखा में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा की जांच करवाएं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर में है, उस पर में जल्द से जल्द व्हाट्सएप करें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि कुंडली के नवम भाव में बुध के बैठने के कारण इस महीने में आपको खेद, संताप तथा सब कार्यों में विघ्न बाधा का योग लेकर के बुध देवता आ रहे हैं। इनका प्रयास रहेगा कि आपके सभी कार्यों में विघ्न बाधा आ जाए। आप जिस कार्य को भी करने का प्रयास करें, उसमें संताप, मन में दुख की स्थिति उत्पन्न हो, और इनका प्रयास रहेगा कि जो है सो बड़ा शोकाकुल मन रहे, जो कि शुभ संकेत नहीं है। यात्रा में अगर आप जाते हो, तो बुध देव का कहना है कि मैं कुंडली के नवम भाव में हूँ, तो यात्रा में मैं तुम्हें कष्ट देने की कोशिश कर सकता हूँ। कष्ट के साथ साथ असुविधा का भी योग और धन का भी कुछ हानि करवा सकता हूँ यात्रा में। महर्षि का कहना है कि इस समय में धन और मान सम्मान के हानि का योग भी बुध देव बनाएंगे आपके लिए, कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए। महर्षि का कहना है कि संबंधियों तथा भाइयों से वैमनस्य रहने का योग है, संबंधियों और भाइयों के साथ संबंध में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, संबंधियों और भाइयों के साथ टेंशन, तनाव पूर्ण स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप धर्म पर क्वेश्चन ना करें, शास्त्र पर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये तर्क धीरे धीरे आपका कुतर्क बन जाएगा और बाद में हाथ में लगेंगे तो सिर्फ पश्चाताप, सिर्फ हाथ में लड्डू लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैंने अपना समय जो है सो बर्बाद कर दिया, मैंने अपना समय जो है सो खराब कर दिया। बुध के लिए इस महीने में उपाय करने की अति आवश्यकता है। बुध के लिए क्या उपाय करना है, तो बुध के लिए जो आपको उपाय करना है वो है नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से आपको जाप करना है। इस मंत्र का दैनिक रूप से जो है सो आपको एक माला जाप करना है, संभव हो तो, नहीं संभव हो तो कम से कम बुधवार के दिन तो एक माला जरूर ही कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा अप्रैल के महीने में। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जन, गुरु आपके कुंडली के अष्टम भाव में
बैठे हुए हैं 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल तक बृहस्पति का मीन राशि में, अपने ही राशि में अष्टम भाव में बैठना गोचर का फल अच्छा नहीं है। महर्षि का कहना है कि 22 अप्रैल तक ये गुरु आपके कुंडली के अष्टम भाव में है, तो गुरु के लिए उपाय करने की आपको परम आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उपाय से पहले फल को जान लें, महर्षि का कहना है। क्योंकि गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए 22 अप्रैल तक बंधन, शोक, रोग तथा चारों ओर राज्य की ओर से, सरकार के तरफ से, समाज के तरफ से, सहकर्मी के तरफ से, जहां पर मैं काम करते हो ऐसे लोगों के तरफ से देव गुरु बृहस्पति आपको कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति आपको कह रहे हैं कि बंधन दे सकते हैं, बंधन शोकाकुल मन और परिवार हो सकता है, हेल्थ वाइज इशू परेशान कर सकती है और चोर भी आपको परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कठोर वचन बोलने के कारण कुछ ऐसी बातें बोल दोगे, कुछ ऐसा तीखा करवा हमारे जैसा बोल दोगे जिसके कारण से आपको तिरस्कृत होना पड़ सकता है, अपने ही बातों के कारण आपको अपमानित होना पड़ सकता है। जैसे मैं कई बार कड़वी शब्द बोलता हूं, जैसे अभी बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, कुछ छोटपटांग कमेंट कर देंगे, तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। लेकिन अगर उनकी बातों को सुन करके मैं ये सोचने लगूं कि बुरा बोलता हूं तो लोग बुरा बोलना शुरू करते, अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दे, तब तो हो गई ज्योतिष विद्या से ईमानदारी, हो गई ज्योतिष विद्या से वफादारी, तब तो गद्दार और मुझ में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। इसलिए सच बोलने के कारण अगर कुछ परेशानी भी झेलना पड़े तो झेल लेना चाहिए। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपके तेज में, आपके कांति में, आपके चेहरे के चमक में भी कुछ कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी छूटने तक की नौबत आ सकती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आप जो नौकरी कर रहे हो, आप जिस नौकरी में हो वहां पर में आपको छोड़ने तक की नौबत जो है सो उत्पन्न हो सकती है। ऐसा आपको लग सकता है कि अब तो ये नौकरी भी हाथ से गई। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में 22 अप्रैल तक सूर्य के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि धन और व्यवसाय का कुछ भारी नुकसान करवाने का देव गुरु बृहस्पति प्रयास कर सकते हैं। आपके लिए बता दूं कि शारीरिक तौर पर में भी कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है और अपने ही देश में कष्टपूर्ण और लंबी यात्रा करने का भी योग बन रहा है। संतान का भी विरोध झेलना पड़ सकता है, संतान भी आपकी बातों को सुनने से इस समय में मना कर सकता है, संतान भी आपके हिसाब से चलने से इस समय में मना कर सकता है। 22 अप्रैल के बाद यही देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में प्रवेश करने के कारण नवम भाव में आपके धन में वृद्धि का योग यही देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद बना देंगे। लेकिन 22 अप्रैल तक आपके लिए अच्छा होगा कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का आप हो सके तो दैनिक रूप से एक माला, नहीं तो कम से कम गुरुवार के दिन एक माला जरूर जाप करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, गुरु का कुंडली के नवम भाव में बैठना यह दर्शाता है 22 अप्रैल के बाद दिन ही कितने बजे, लेकिन ठीक है जो बचा उसमें यह दर्शाता है कि आपको धन लाभ का विशेष योग बन रहा है, धन में कुछ वृद्धि हो सकती है। इस समय में संतान के तरफ से, संतान पक्ष से, संतान को लेकर के किसी प्रकार का प्रसन्नता घर में प्रवेश कर सकता है और मन जो है उत्सवों जैसा खिल सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, तो आप कहेंगे और क्या, तो और महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको भाग्य की विशेष कृपा प्राप्त होगी, आपको अपने भाग्य का विशेष
उन्नति देखने को मिलेगा, भाग्य में वृद्धि के बहुत सुंदर योग दिखाई देंगे, पुत्रों से संतान से आपको विशेष लाभ का भी योग दिखाई देगा, आपको आपके संतान से इस समय में विशेष लाभ मिलेगा। कह रहे हैं कि राज्य से सरकार से मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का भी विशेष योग आपके लिए बनेगा। देवी और सज्जनों, हर कार्य में सफलता का योग आपके लिए बना रहे हैं देव गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद। 22 अप्रैल के बाद भाइयों से भी सुख का योग और धर्म के कार्य में रुचि लेने की संभावना दिखाई दे रही। हर मामले में बड़ा सुखद और उत्तम समय महसूस हो रहा है। तो 22 अप्रैल से पहले गुरु के लिए मंत्र का जाप करना है, 22 के बाद करने की जरूरत नहीं है। शुक्र आपके कुंडली के दशम भाव में वृषभ राशि में बैठ करके ये यहाँ पर मैं मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं देवी और सज्जनों। अब मालव्य नामक राजयोग जो बन रहा है यहाँ पर मैं कुंडली के दशम भाव में, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा तो उसको श्रवण करने का प्रयास करें, सुने। शुक्र के कुंडली के दशम भाव में बैठने के, अच्छा शुक्र जो है सो 22 अप्रैल से कुंडली के दशम भाव में, 22 अप्रैल नहीं सॉरी 6 अप्रैल से कुंडली के दशम भाव में जाएंगे, 6 अप्रैल से पहले पहले शुक्र कुंडली के नवम भाव में ही रहेंगे। तो नवम भाव में जो शुक्र रहेंगे उस पर क्या फल मिलेगा 6 अप्रैल तक, उसको श्रवण करें। महर्षि का कहना है कि 6 अप्रैल तक कुंडली के नवम भाव में आने के कारण आपको उत्तम वस्त्र तथा आभूषण के प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में आपको उत्तम वस्त्र की प्राप्ति होगी और साथ में प्रभु के कृपा से आभूषण प्राप्ति का भी योग बनेगा। महर्षि कह रहे हैं कि शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, शारीरिक तौर पर में आपको किसी प्रकार की समस्या जो है सो वो परेशान नहीं करेगी, शारीरिक तौर पर में जो है सो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 6 अप्रैल तक आपको शुक्र शारीरिक पीड़ा से मुक्त करेगा। आशा से अधिक सफलता मिलने के योग 6 अप्रैल तक शुक्र बनाएगा। देवी और सज्जनों, कोई चिरस्थाई लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है, कोई चिरस्थाई, कोई लंबा कार्य, कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो लंबे समय तक आपको लाभ देता हुआ भी नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि राज्य द्वारा सरकार के द्वारा आपके भाग्य में भी कुछ वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं। आपको सरकार से, राज्य से, समाज के लोगों से, सहकर्मी से, कंपनी मालिक से भी कुछ विशेष लाभ प्राप्ति का योग बन रहा है। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, आपको इस समय में अपने इष्ट और मित्र से भी विशेष लाभ का योग बन रहा है। आपके लिए भाइयों से भी सहायता तथा स्नेह प्राप्ति के योग बन रहे हैं और प्रभु की कृपा हुई तो अपने ही देश में, देश के अंदर आपके लिए जो है सो लंबी यात्रा का योग बनेगा। कहीं जा सकते हैं घूमते टहलते, मलंग मलंग करते, फकीरी में समय बिताने का मजा ही अलग होता है, वो भी आपको मौका प्राप्त होगा। तो शुक्र का नवम भाव में बैठना आपके लिए हर मामले में बढ़िया है, हर मामले में अच्छा फल देने वाला है। और यही शुक्र जब दशम भाव में वृषभ राशि में जाएगा तो मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेगा और उसके बाद भी ये अच्छा ही फल देगा। जैसे कि 6 अप्रैल के बाद शुक्र का कुंडली के दशम भाव में जाना वृषभ राशि में कह रहा है कि पिता से विशेष लाभ का योग बनेगा। आपके पिता अथवा पिता तुल्य जो लोग हैं उनसे आपको ज्यादा फायदे की संभावना दिखाई दे रही है। आपको राज्य से, सरकार से भी कुछ लाभ के विशेष योग दिखाई दे रहे हैं।
आपका खुद का जो कारोबार है, काम धंधा अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुंडली के दशम भाव में मालव्य योग बनने के कारण आपके मान सम्मान में भी चार चांद लगता हुआ नजर आ रहा है। आपका मान सम्मान भी जो है सो इस समय में बढ़ेगा। आपके प्रमोशन का भी योग 6 अप्रैल के बाद शुक्रदेव आपके गोचर कुंडली में बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि कुंडली के दशम भाव में शुक्र के बैठने के कारण हाथों में सत्ता प्रभुता आने के योग दिखाई दे रहे हैं, हाथों में पावर आ सकता है। आपके लिए महर्षि का कहना है कि अधिकार की प्राप्ति का योग बनेगा, और अगर किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की बात चल रही है उसका रिजल्ट इस महीने में आने वाला है, और सरकारी नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य होने वाला है, तो महर्षि का कहना है कि कुंडली के द्वितीय भाव में उसके बैठने के कारण आपको वहां से भी कुछ विशेष लाभ के योग नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे है और चौथा भाव मां का होता है। आपको मां से लाभ का, आपको मां से फायदा का, आपको मां से लाड़ प्यार मान सम्मान का भी योग बन रहा है। आपको आपकी माता से जो कनेक्शन है, जो लगाव है, वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन माता से मातृ संपत्ति का, माता से संबंधित जो संपत्ति है अगर कुछ उनका, तो उससे भी आपको लाभ मिलने की संभावना, और माता को भी विशेष फायदे के अपने काम धंधे में योग आपके भाग्य से बन रहा है। ये चौथा भाव आपके सुख का होता है। प्रभु के कृपा से इस समय में आपको सुख भोगने का अवसर मिलेगा। इस समय में अपने आप को आप सुखी अनुभव कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव पर दृष्टि के कारण हो सकता है इस महीने में मकान बनने का योग बन रहा हो। आपके लिए मकान बनाने का, मकान शुरू करने का, अथवा मकान से संबंधित किसी भी कार्य का योग बन सकता है, और आप वहां से लाभ जो है सो ले सकते हैं। मकान से संबंधित किसी प्रकार का इस महीने में 6 अप्रैल के बाद आप कोई निर्णय भी ले सकते हैं। आपको जमीन भी खरीदना पड़ सकता है, अथवा खरीद सकते हैं, अथवा जमीन से आपको लाभ मिल सकता है। अचल संपत्ति से सुख की प्राप्ति का योग, वाहन से, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उससे भी राहत का योग बना रहे। शुक्र हर मामले में बढ़िया है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, और शनि का कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होना वैसे तो अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन आपके लिए ये कुंभ राशि में है तो सस नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं शनि, जिसके कारण से आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। जैसे कि जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का लाभ, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसका दूर होना, दुश्मनों का नाश, और इसकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में है जिसके कारण से भाग्य में वृद्धि, धर्म का पालन करना, तीर्थ यात्रा का योग, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पे है। शारीरिक तौर पे मजबूती, रंग रूप में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, बल का एहसास, मानसिक तौर पर में मजबूती और विवेक का सहारा मिलना, शील स्वभाव भी अच्छा रहना, गौरव करने लायक काम करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शनि की दशम दृष्टि भी चौथे भाव पे, तो सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का सुख भी मिलना। शनि
लेकिन छठे भाव का भी मालिक है तो कुछ परेशान कर सकता है, जैसे दुश्मनों के द्वारा कुछ परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, रोग, ऋण, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी योग बना सकता है। तो प्रत्येक शनिवार को इस महीने में, अप्रैल के महीने में, ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जरूर जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु जो है आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है और नवम भाव में राहु का बैठना, महर्षि का कहना है कि नवम भाव में जब राहु बैठता है तो अक्षमात आशातीत सफलता, आशातीत लाभ देता है, जो प्रायः चिरस्थाई हो जाता है लंबे समय के लिए। सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से, समाज के तरफ से भी कुछ कृपा प्राप्त हो सकती है, मित्रों से सहायता मिल सकता है, परंतु राहु की दृष्टि पंचम भाव पर में है, जिसके कारण से मानसिक व्यथा भी आपको इस महीने में कुछ परेशान कर सकती है राहु के कारण। इससे बचने के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का शनिवार को जरूर एक माला जाप करें। केतु कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से महर्षि कह रहे हैं कि तीसरे भाव में बैठा हुआ केतु अकस्मात लाभ का योग बनाएगा, आपके शत्रु को पराजित करेगा और मित्रों से भी आपको लाभ देगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी सिंह राशि फल अप्रैल 2023, जिसमें हमने आपको सूर्य से लेकर केतु तक के सभी ग्रहों के फलादेश बताए, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, उसका भी फल बताया। अगर आपकी राशि फल आपसे नहीं मैच करती है, नहीं आपको लाभ मिल पा रहा है, तो जन्म कुंडली में परेशानी है। जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, जन्म कुंडली की जांच करवाएं, व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्प्ले पर में दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करें और अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच करवाएं, जो फीस है वो जमा करें। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।